चुनाव चरम पर है और तापमान आसमान छू रहा है। यूपी में दबदबा वाले नेता अब अपनी गाड़ी से लोगों को भी दबा रहे हैं। ऐसी ही घटना यूपी के गोंडा से सामने आई है, जहां बीजेपी नेता के काफिले की फॉर्च्यूनर गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी से हादसा हुआ, वो अन्य दो राहगीर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले में शामिल थी गाड़ी, वह पुलिस स्कॉट लिखा हुआ था। हादसे में काफिले में शामिल फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं गाड़ी के एयरबैग खुल गए हैं। मौके से काफिले में शामिल सभी लोग फरार हो गए। घटना से लोगों में गुस्सा पनप गया है। आक्रोशित लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का घेराव कर दिया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स बुलाया गया है। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। मृतक युवकों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। भीषण हादसा कर्नलगंज थाना क्षेत्र के हुजूरपुर बहराइच रेलवे क्रॉसिंग के पास हुआ। बुधवार की सुबह केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व मौजूदा बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के काफिले में शामिल पुलिस स्कॉट लिखी फॉर्च्यूनर गाड़ी अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। बाइक पर दो युवक सवार थे। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दोनों युवक कई मीटर दूर जा गिरे। गाड़ी की चपेट में दो राहगीर भी आ गए। टक्कर के बाद गाड़ी के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची। सवार सभी लोग वहां से फरार हो गए। पुलिस ने हादसे का शिकार हुए सभी लोगों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बाइक सवार रेहान खान और वहीं शहजाद खान को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल सीता देवी को रेफर किया गया है। घटना की जानकारी पर लोगों की भीड़ सीएचसी पर इकट्ठा हो गई। गुस्साए लोगों ने सीएचसी का घेराव कर दिया। जानकारी मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे का शिकार हुए मृतक रेहान खान की मां चंदा बेगम ने कर्नलगंज कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका भतीजा शहजाद बाइक से रेहान को दवा दिलाने जा रहा था। रास्ते में छतई पूर्वा बस स्टॉप से पहले विपरीत दिशा से आ रही फॉर्च्यूनर गाड़ी ने लापरवाही पूर्वक अपने दाहिने आकर बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रेहान और शहजाद की मौके पर मौत हो गई।